क्या तुम भी स्क्रॉल करते हो अपने मोबाइल की स्क्रीन पे? क्या तुम भी सोचते हो कि भाई मैं रुकता क्यों नहीं, कंटेंट का ही खत्म नहीं होता बे? आखिर ये आदत लगी तो लगी कब, कैसे ये आदत छोड़ूं? इस वीडियो में शायद तुम्हें जवाब नहीं मिलेगा, पर अरे अरे रुको जरा, पर शायद तुम्हें तुम्हारे पैटर्न्स का पता लगेगा, जो कि मेरे भी पैटर्न्स हैं और उसके भी पैटर्न्स हैं और ये पूरी दुनिया के पैटर्न्स हैं। हम स्क्रॉल क्यों करते हैं, कभी सोचा है? कभी भी नहीं, ठीक है। मैं स्क्रॉल क्यों करता हूँ वो बताता हूँ मैं तुमको। मैं स्क्रॉल इसके लिए करता हूँ क्योंकि मैं बोर हो गया हूँ, या तो मुझे आदत लगी पड़ी है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो कि है, मुझे ये लगता है कि अभी कुछ अच्छा आएगा, अभी बस अच्छा आने ही वाला है। यूट्यूब पे नहीं तो छोड़, इंस्टाग्राम पे कुछ अच्छा आएगा, या अभी नहीं यार फेसबुक पे तो जरूर कुछ अच्छा आएगा ही, पर अच्छा कुछ आता ही नहीं। 2 घंटे की बकचोदी भरी स्क्रोलिंग करने के बाद शायद एक अच्छा रील या एक अच्छा शॉर्ट आता है, वो भी थोड़ा मतलब हमें हंसाता है थोड़ा सा। 50 रील देखने के बाद एक चीज कुछ काम की आती है, जो मुझे लगता है यार ये तो मेरी जिंदगी बदल देगी और इसे मैं हमेशा याद रखूंगा। पर क्या होता है, मैं वो भूल जाता हूँ। उसे सीखना तो दूर की बात है, मैं और कंटेंट देखने लग जाता हूँ, फिर ये सिलसिला खत्म ही नहीं होता और मैं स्क्रोलिंग की दुनिया में गोल 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 घूमने लग जाता हूँ। सुबह सुबह अगर उठते ही मोबाइल हाथ में लिया, थोड़ा सा स्क्रोल किया, तो क्या तुम्हें भी थकान या थकने जैसा महसूस होता है? मुझे तो होता है भाई। इसका उपाय क्या है? कोई फोमो नहीं होता, कोई इम्पोर्टेंट चीज़ भी हम मिस नहीं करेंगे। अपना दोस्त कौन सी लड़की के साथ कहाँ घूमने गया है, क्या खाया, कहाँ खाया, क्या पिया, देख के हमें घंटा कुछ मिलने वाला है तो फिर क्यों देखते हैं? छोड़ दिया भाई, आज से स्क्रोलिंग मैंने छोड़ दिया, नहीं करना स्क्रोल। मोबाइल को देखो ही मत और कोई काम करो। स्क्रोल करना ही है तो दिन में 10-20 मिनट करो ना यार, फिर अगले दिन। देखो जिंदगी भर का पानी एक ही दिन में तो नहीं पी सकते ना, वैसे ही हफ्ते भर का स्क्रोलिंग एक ही दिन में कर लोगे क्या? अरे बीमार पड़ोगे, दिमाग से बीमार। ये ऐसी बीमारी है जो लोगों को समझ नहीं आती जल्दी। शायद इसका शिकार मैं भी हूँ, शायद वो भी, शायद पूरी दुनिया, और हाँ शायद तुम भी।